माना कलाम है, बड़ा ही आसान भी कलाम है, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। हाँ, जे तो दिन हश्र दे सवाल होंगे, जे तो दिन हश्र दे सवाल होंगे, हम सड़े आमिन दे लाल होंगे, जतो दिन हशर दे सवाल होंगे, हम सड़े आमिना दे लाल होंगे। ओ जन्नतानो जावेगी सवारी आप दी, जन्नतानो जावेगी सवारी आप दी, अगे 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 हजरत बिलाल होए गे, हम साडे आमिना दे लाल होए गे। सानो बख्शावण ले खुदा दे सामने,
सैयदा दे सोने सोने सैयदा दे सोने सोने लाल होने गे हम साडे आमीना दे लाल होने गे जदू आवना खैदरे करार देखना अगे पीछे उस दे अबदाल होंगे अगे पीछे उस दे अबदाल होंगे हम साडे आमीना दे लाल होंगे जदू दिन हशर दे जदू दिन हशर दे सवाल होंगे हम साडे आमीना दे लाल होंगे सैयद ने करबला में वादे निभा दिए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए दीने मुहम्मदी के गुलशन किला Bye.
قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام اخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات باوازی بلند درود پاک پیش فرماؤ والصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام علیک یا رحمت للعالمين وعلى اليك واصحابك يا رب العالمين انتہائی
काबिल तकरीम व एहतराम सादात ग्रामी कद उलमाए कराम हफाज़े कराम असातज़ाए कराम मेरे अजीज तलबा इस मस्जिद की इंतज़ामिया हुज्जाजे कराम सामीन हाज़रीन और आज के सोशल मीडिया के तवस्सुत से हमारे जुमला नाज़रीन कराम ज़ीकदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त मुख्तसर है इसलिए मैंने आपकी नज़ाकतों को सामने रखते हुए मैंने कोई लंबा चौड़ा खुतबा नहीं पढ़ा, अपनी आयत तलावत करके सीधा मौजू के ऊपर जाऊंगा। और मैंने आज आपके सामने चूँकि मुझे आप लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे दिया था इसलिए मैं तबाय को तबीयतों को थोड़ा बहुत समझता हूँ। इसलिए मैंने आज की इस मुतबर्रिक दिन की गुफ्तगू को अपने तीन उनवान के अंदर रखा है। एक, सबसे पहले शान अहले बैत अतहार। दूसरा हिस्सा अहले बैत अतहार का किरदार। और तीसरा हिस्सा शहादत और शहादत के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत अतहार इमाम अली मकाम और उस खानवाजे को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया था। ये हमारी आज की गुफ्तगू का उनवान है। इसलिए मैंने इसको इंतखाब किया है कि सिर्फ मसाइब पढ़ने से अजर नहीं मिलता, सिर्फ करबला का वो वाकया जिक्र करने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा सादे अंदाज में और इस इमाम ज़ुरकानी की इस रवायत से अगर करूँ तो आपको और मुझे दिल भी मुतमईन हो जाएगा और हमारे बैठने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं कि एक दिन अहले बैत अतहार की महब्बत और उनका तज़किरा करना, एक दिन अहले बैत अतहार नबी के घराने वालों का महब्बत के साथ ज़िक्र करना और उस ज़िक्र की मजलस सजा के बैठ जाने से अल्लाह ताला उस जिक्र करने वाले को उस मोहब्बत दिल में रख के बैठने वाले को अल्लाह ताला एक साल के बराबर अजर अता फरमाएगा। एक साल की इबादत के बराबर जो है वो अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। इसलिए हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत अहले बैत अतहार का तज़करा अल्लाह ने किस तरह किया, अल्लाह के रसूल ने किस तरह किया, पहले हमने वहाँ से जो है वो इक्तिबास करना है और फिर हमने अल्लाह और ये परखना है कि अल्लाह और रसूल उसका उनका जिक्र कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि उनका किरदार कैसा था। इसलिए सबसे पहले जो खताब हुआ अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया, प्यारे रसूल आप अपनी उम्मत को फरमा दीजिए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उलमा से आप बड़ी बड़ी इसके बारे में लंबी बातें सुनते हैं, मैं आपके सामने एक छोटी सी इक्तिबास अर्ज करूँगा जो कुरान ही में से ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे नबी को कुरान के सियाक से मुखातिब होकर फरमाता है, प्यारे नबी मैंने आपको तबलीग दीन के लिए भेजा, मैंने आपको युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे लाने के लिए भेजा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसके बदले आप किसी से पैसा पाइया कोई बदला लें, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं आपका रब हूँ, मैं आपकी का महबूब रब हूँ और आप मेरे महबूब हैं, इसलिए मैं आपको वलल्ला आखिरत व खैरुल्ला का मिन अलूला का ताज आपके सर पे सजाऊंगा। लेकिन वजह यह है कि मुझे जिस तरह आपसे मोहब्बत है, प्यारे नबी जिस तरह मुझे आपसे प्यार है, ए प्यारे रसूल जिस तरह मुझे तेरी जात से प्यार है, इसी तरह मुझे तेरी आल से भी प्यार है। इसलिए प्यारे रसूल अपनी उम्मत के लिए अपनी उम्मत को पैगाम अता फरमा दे, अपनी उम्मत को ये पैगाम मोहब्बत मुझ रब की तरफ से पहुंचा दे। तेरी शान के डंके बजाना मुझ रब का काम है,
तेरी शान की अजमत और इफ़त बयान करना मेरे मुझ रब्बी ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात के ज़िम्मा करम पे है, लेकिन उम्मत के ज़िम्मा भी एक काम डाल दे। फरमाया इस तबलीग के बारे में, इस हिदायत के बदले में, इस खैर के बदले में अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। ऐ प्यारे नबी, अपनी उम्मत को फरमा दीजिए मुझे कुछ ना दीजिए, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन क़यामत तक जब तक तुम जिंदा रहो, तुम्हारी ज़बानों पे जब तज़करा रहे, तुम्हारे दिल में मोहब्बत का समुंदर जागजी रहे, तो एक दिल में मोहब्बत का समुंदर जगाए रखना। और वो मोहब्बत का समुंदर कौन सा है मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाते रहना। इसलिए सबसे पहला सबक अहले बैत से कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाता है मोहब्बत फरमाओ। दूसरी जगह आगे चलिए, मवद्दत किसको कहते हैं, आपने उलमा से सुन रखा है। मोहब्बत का दर्जा ये होता है कि वो उस चीज़ के बगैर भी ज़िंदा रहा जा सकता है, लेकिन मवद्दत ये है कि उसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रहता। मैं मुख्तसरन करते हुए आगे चलता हूँ। जिस तरह पानी और मछली के दरमियान जो है वो मवद्दत होती है, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो पानी से, वो मर जाती है। फरमाया तुम्हारे दिल और तुम्हारे ईमान की कैफियत अहले बैत अतहार के बारे में ये रहनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ये हमारे दिल से निकली और उधर हमारे दिल का जनाजा निकल गया। इसलिए जब तक ज़िंदगी गुजारो अहले बैत की मोहब्बत में गुजारो। अहले बैत मोहब्बत का किरदार क्या है, साथ ही साथ लिए चलते हैं। आयत मुबाहला कुरान मजीद, इसकी इसी आय मुबारक जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसकी ज़रा वजाहत। इमाम ज़ुरकानी से सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन किराबतो का हा उलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह हमें बताइए वो कौन से करीब वाले हैं, वो कौन से कुर्बत वाले हैं जिनसे आप हमसे मोहब्बत का तकाजा करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अली काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलीयुन व फातिमतुन व वलदुहुमा। वो एक अली है, वो एक फातिमा है, और उसके दो शहजादे हसन भी हैं और हुसैन भी है। हुसैन, उलमा से आप सुनते हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हो जाते हैं, हजरत अली रोजा रखते हैं, एक दिन फकीर आता है, दूसरे दिन, वक्त मुख्तसर है, मैं इसको मुख्तसरन आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक दिन फकीर आता है, दूसरे दिन फकीर आता है, तीसरे दिन फकीर आता है, रोजा इफ्तारी के वक्त हजरत अली और हजरत फातिमा वो सारा कुछ इफ्तारी का उठा के फकीर मिस्कीन को अता फरमा देते। इमाम नसाई ने यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी, आप फरमाते हैं इसमें यह मकसूद नहीं था कि बीमारी दूर हो, इसमें यह मकसूद नहीं था कि सिर्फ बीमारी और इल्लत खत्म हो। फरमाए इसमें मकसूद ये था कि हुसैन ने करबला के मैदान में जाके जान कुर्बान करनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस शिकम और उस सुलब से पैदा होना है और सबर का दामिन, सबर का इमाम, साबरों का इमाम बनना है। इसलिए अली अपनी तरबियत नहीं, अपने रोजे की बचाओ नहीं, फकीरों की दस्तगीरी नहीं फरमा रहे थे, बल्कि इमाम अलीउल मुर्तज़ा खलीफा अजीम अपनी औलाद की भी साथ साथ और उससे शिकम से और पुश्त से और सुलब से पैदा होने वाली औलाद की भी साथ साथ तरबियत फरमा के जा रहे थे। इसी से एक रवायत नकल फरमाई है जिसको इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला ने रवायत फरमाया, से मराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी राजी कैसे होगा। फरमाया अल्ला यदखुला मिन अहले बैतही अन्नार, अल्ला यदखुला मिन अहले बैतही अन्नार। फरमाया अल्लाह का नबी कैसे राजी होगा कि अहले बैत अतहार मेरे नबी के घर वालों में से, मेरे नबी की आल में से किसी को भी अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा, और जब अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, इधर ये जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का नबी अल्लाह की बारगाह में राजी हो जाएगा। मुहर्रमुल हराम से कबल तारीख से हमें आशना होना चाहिए।
और मैं कोशिश करूँगा मन गढ़त रवायत आपके सामने ना रखूँ, क्योंकि आप में से सख्त तरीन लोग भी यहाँ पकड़ करने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। जो मुझे तारीख मोटी मोटी आती है और उसमें वक्त के अंदर रहकर जब हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ़ ले जाने के बाद खिलाफत नहीं कहेंगे बल्कि इक्तदार की कुर्सी पे यजीद काबिज होता है, मैं एक एक जुमला थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करूँगा जिसको मेरे इल्म वाले समझते हैं, तो उसने सबसे पहले मशीरों ने कहा कि तुम सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन और उनके चंद साथी हैं जिनसे बैत लेनी है, ऐसा ना हो कि सुस्ती करो तो ये मामला हाथ से निकल जाए। हजरत इमाम अली मकाम की तरफ उसने फौरन अपना काफिला, अपना कारिंदा इब्ने ज़ियाद की शक्ल में कूफा की तरफ जो है वो भेजा, मदीने की तरफ, और कहा कि जाओ और इमाम हुसैन को पैगाम दो कि मेरी बैत करें। यजीद ने जब बंद कम इब्ने ज़ियाद ने जब इमाम हुसैन में मुख्तसरन ले जाना चाहता हूँ बंद कमरे में बला के कहा मुझे यजीद का ये हुक्म पहुँचा है मेरे हाथ पे यजीद की बैत करो। हजरत इमाम अली मकाम ने चंद साथियों को बाहर खड़े किया, अंदर गए, उसकी गुफ्तगू सुनी और उसको जवाब दिया, फरमाया तुझे पता ये हाथ किसके हाथ में था? फरमाया ये हाथ किसके हाथ में था? फरमाया ये मेरे नाना के हाथ इस हाथ को लगे हुए हैं, इस हाथ को मदनी करीम रहमतुल्लिल आलमीन के हाथ लगे हुए हैं, ये हाथ किसी जब्बार और कहार और जालिम के हाथ में नहीं जा सकता, ये टूट तो सकता है, ये कट तो सकता है, ये बिखर तो सकता है, लेकिन यजीद जैसे नापाक और पलीत के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि इसने पाक होने और पाक करने वाली अस्थी ने अपने हाथ में लेके चूम रखा। भाइयों मुख्तसरन कूफा वालों के खत आना शुरू हो जाते हैं कि यजीद की हुकूमत हमें नामंजूर है, यजीद जालिम है, यजीद जाबिर है, यजीद ने शराब को हलाल कर रखा है। मैं ये चीज़ें इसलिए गिन रहा हूँ आपके सामने ताकि जिन्होंने लिखा है ना मौलवी अजीम साहेब और उनके हवारियों ने और जो यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाले हैं उनको पता चले कि उसके करतूत क्या हैं और वो लोगों को गुमराह ना करें। शराब को हलाल कर रखा उसने, वो जना उसके लिए चंद जो वो मबाह हो चुका है, बुराई उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए आप आए, अगर आप हमारे पास ना आए तो हम कयामत वाले दिन आपके नाना के सामने अपने आप को बेगनात सफर करने के लिए वहां कहेंगे हुजूर आपका नवासा बलाया था, इन्होंने आके हमें नहीं बचाया था। इमाम जुरकानी ने तो रवायात पे रवायात नकल फरमाई है, इब्ने असाकर ने तो 38 रवायात इस सिलसिले में मुतवातर नकल फरमाई है कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन को उन्होंने यहां तक लिखा था कि एक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से होता है, एक मखलूक से होता है, ए इमाम अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे आपकी दो शिकायतें अल्लाह के हुजूर और आपके नाना के हुजूर होंगी कि ना आपने अल्लाह का ताल्लुक रखा था ना आपने मखलूक का ताल्लुक रखा था। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला वहाँ चले जाते हैं, आप जब वहाँ जाते हैं कूफा वालों ने बड़े पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल किया, बड़ा शफवालहाना इस्तकबाल किया, 18,000 कूफी पहले दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर चुके। आज अगर कोई यहाँ में एक चीज़ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आज की रोशन ख्याली में अगर कोई बैत का लफ्ज़ कहे कि ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से निकला है, तो उसको कहो मुकदमा इब्ने खल्दून, अल्लामा इब्ने खल्दून जैसे मुअर्रिख को पढ़ो, अलबिदाया और निहाया की तहकीक करो, इमाम ज़ुरकानी के ऊपर फतवा लगाओ, और आला हजरत जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती फतावा रिजविया जिल्द नंबर 24 के की चंद इक्तिबासात को पढ़ो और फिर आके कहो, लेकिन शर्त यह है कि बैत करने वाला कोई मुस्लिम बिन अकील की सीरत पे अमल करने वाला, शर्त यह रखनी है हमने हजरत इमाम हुसैन की सीरत को अपने सीने में जगह देने वाला हो, अपने ऊपर वो रंग चढ़ाने वाला हो,
उसके ऊपर कोई एतराज़ करेगा तो फिर वो तारीख उसको याद करवाएगी कि बैत करने वाले भी थे और बैत होने वाले भी थे। आगे चलिए, बैत हो गई, यजीद को पता चल जाता है, उसने हुक्म दे दिया मुख्तसरन ये कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है, आपके दो बेटों को भी बड़ी बेदर्दी के साथ काजी शुराय के घर, जो वो पनाह लेने के बाद मुखबरी होने के बाद वापसी काफिला रवाना होने तक मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें आई, जालिमों ने पकड़ लिया और पकड़ के दोनों बेटों को भी शहीद फरमा दिया। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, वापसी हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब वो खत लिख दिया शहीद होने से पहले पहले दिन ही, कि जब वो 18,000 या 16,000 या 21,000 कूफी मेरे हाथ पे बैत कर चुके हैं, हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ले आइए। मेरे करीम आका के नवासे ने वो खत लिया और इधर से आपने कूफा का सफर रहना जो है वो बांध लिया। जब मेरे करीम आका के अजीम जानसार अपना पूरा घराना अपना पूरा खानदान लेके जा रहे हैं, यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ फरजदक शायर अहले अरब का इंताई बरजस्ता शायर था, नाम उसका फरजदक था, वो शायरी में लोगों की तारीफें करके पैसे लेता था, लोगों की हिज्ब करके पैसे लेता था, वो भी मिलता है। यहाँ वो लोग जो दावा करते हैं कि इमाम अली मकाम इक्तदार के लिए गए थे, इमाम अली मकाम जब मसनद इक्तदार हासिल करने के लिए गए थे, उनको ये जवाब दीजिए कि जिन्हें इक्तदार चाहिए होता है वो अपनी जिंदगी की कश्तियां जला के नहीं जाते, वो पीछे अपना सरमाया छोड़ के जाते हैं, वो अपने बीवी और बच्चों को महफूज मकाम पे रख के जाते हैं कि जब वापिस अब हम इक्तदार की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, हमारे खादिमों हमारी बीवियों को भी, हमारे गुलामों हमारी बीवियों को भी वहां बाहिफाजत ले आना। लेकिन जो रब को राजी करने के लिए जाते हैं वो अपना सब कुछ अल्लाह की बारगाह में लौटा के जाया करते हैं। हजरत इमाम अली मकाम वहां से निकलते हैं, फरजदक शायर ने कहा हुजूर आप ना जाइए, लोगों ने भी मशवरा दिया कि कूफे वाले वफादार नहीं है। फरजदक शायर के ये जुमले थे, हुजूर आप ना जाइए, मैं वहां से आ रहा हूं और मामला ये है कि उनकी तलवारें यजीद के साथ, दिल यजीद के साथ है और तलवारें आपके साथ हैं, मतलब ये कि ये उनका दिल और उनकी मर्जी जो है वो यजीद के हुक्म के मुताबिक चलती है, इसलिए आप ऐसा ना करें वहां ना जाएं। जब उसने मना किया आपने वो खत निकाल के दिखाया कि मामला ये है कि उन्होंने ये खत लिखे हैं मुझे, अब एतमाम उज्जत के लिए अगर मैं वहां ना गया तो कयामत के दिन नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इमाम अली मकाम का काफिला चलता है, करबला में पहुंचता है, यकम महर्रम उल हराम आती है, आप का पानी बंद कर दिया जाता है, मुख्तसरन ये कि पहले सात दिनों सातवें दिन पानी बंद किया जाता है, खेमे नसब किए जाते हैं, इमाम अली मकाम उनको तबलीग फरमाते हैं कि मैं तुमसे इक्तदार लेने के लिए नहीं आया, जालिमों में तुमसे कोई माल और दौलत मांगने के लिए नहीं आया, तुम्हारे ये 24 खत, तुम्हारे ये 26 या 40 या 130 खत जो है वो मेरे पास आए हैं, मैं उन खतूत की रोशनी में तुम्हारे पास आया हूं और आगे से तुमने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, तुमने औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, जालिमो तुम्हें अगर ये मामलात थे तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, 30,000 की फौज जब पीठ के पीछे मंडला रही हो, जब तलवारें और नेजे जो और जो वो असले की घनक जो वो इंसान के ऐवान के इक्तदारों में लरज रही हो, तो फिर उसको हक हक नजर नहीं आता। इसीलिए अल्लाह मैंने कहा था कि ताज व तख्त बदल देता है शाहों का मिजाज, वरना फिराउन भी आगोश में खूंखार ना था। यजीद को कोई बात उसके कान पे असर नहीं करने लगी। इमाम अली मकाम ने आखिरी जुमले अपने खानदान वालों के साथ मुखातिब होकर फरमाए
सातवीं महरम को पानी बंद किया, आपने फरमाया जालिमो पानी तुम किस पे बंद करते हो, तुम्हारे लिए पानी के चश्मे मेरे अब्बा ने खोले, तुम्हारे लिए पानी किनारे मेरे नाना की दुआओं से बही। आज जालिमो तुम मेरे ऊपर पानी बंद कर रहे हो, आज तुम मेरे ऊपर उस अहले बैतिया थार के ऊपर जमीन तंग कर रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, किसी के ऊपर कोई बात ने असर ना किया, हत्ता के अपने अहल से मुखातिब होके फरमाया आज आखिरी मुहर्रम है, आज आखिरी खुतबा है, जिसने वापस जाना है वो वापस चला जाए, मेरा उससे गिला नहीं होगा, जिससे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, क्योंकि आज हमारा आखिरी सफर है, आज हमारी आखिरी घड़ियां हैं, 10 मुहर्रम का दिन आता है। मेरे इमाम अली मकाम कई दिनों से भूखे और प्यासे अपने मासूम बच्चों को, अपनी मासूम अजवाज को लेके वहां तशरीफ फरमा है, जंग का बिगल बजता है, मेरे नबी के आल के जानसार एक एक होके कुर्बान होता है। आखिर में इमाम अली मकाम मैदान में जाते हैं, औरतों को मखातब करके फरमाते हैं ऐ बीवियों, तुम पाक बीवियां हो, तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूलाने बारगाह हो, मेरे जाने के बाद ना अपना दामन फाड़ना, ना अपना चेहरा पीटना, बल्कि सबर करना, इन्नल्लाह मासाबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, सबर करते रहना। इमाम अली मकाम मैदान जंग में जाते हैं, कुफार को की सफों में लर्जा पैदा करते हैं, जलजला पैदा करते हैं, हजारों कूफियों को वासले जहन्नम फरमाते हैं। आखिर में जब इज्तिमाई हमला होता है, आप नीचे गिरते हैं, आप जालिमों से पूछते हैं जरा रुक जाओ कौन सा वक्त है, उन्होंने कहा नमाज असर का वक्त है, आपने फरमाया ठहरो जरा मुझे सजदा करने दो रब के हुजूर। हुसैनियत का जिक्र करने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन की अकीदत रखने वालों, इमाम हुसैन ने जाते वक्त भी यह पैगाम दिया है कि तलवार के साए में भी अगर हूं, अगर तलवारों का साया भी मंडला रहा हो, अल्लाह के घर से अगर आजान की आवाज आ जाए, अल्लाह के घर से अगर तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए, तो फिर तलवार के साए में भी हुसैनी नमाज अदा किया करता है। हम सब ने नमाज जुमा से कबल से लेकर तलावत कलाम इलाही नाते रसूल मक़बूल मनकबत गौसे आज़म मनकबत इमाम अली मकाम ज़िक्र शोदाए करबला हाजर कायम रखा गया, नमाज जुमा अदा की गई, दुरूद पाक पढ़ के मेरे मिटा किया गया, सूरह फातिहा सूरह इख़लास जमी हाजरीन की तरफ से जितना कलाम जितना कुरान पढ़ के इस कापी के ऊपर जितने लिखे हुए नाम पारी साहब ने लिए, इन सब ने इस मुल्क से बैरून मुल्क से माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों ने ताउन किया, अल्लाह ताला इसका अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह पाक इस जुमला कलाम का स्वाद इस कलाम का स्वाद सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह पाक इस सरकार सारे कलाम इस कलाम का स्वाद आज किस महफिल का स्वाद हजरत आदम से लेकर जोड़ तक तुम्हें अंबिया की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल फरमा। हुजूर के वालिदैन कलमे नज़वा मुतआला सहाबा इकराम ताबीउन तबा ताबीउन औलिया इकराम तमाम गज़वात के अंदर शहदा गाज़ियाने उज़्ज़म की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल फरमा। बिलखसूस मौला इकराम दुरूद पाक का स्वाब आज की सारी महफिल का स्वाब रखे गए काम का स्वाब हाजरीन और नाज़िरीन की जुमला हाजरी का स्वाब इस मुल्क दारुल उलूम के सरदारों ने सरआला इस सारे हिस्से का स्वाब अल्लाह खास बिलखसूस शहदाए करबला की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। गाज़ियाने करबला की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। उम्महात करबला की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। मासूमाने करबला की बारगाह में पेश करके अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात मुहतसिब मुहतकीन आइमा मुस्लिमीन हाज़िरीन और नाज़िरीन के जितने छोटे बड़े बच्चे बूढ़े माएँ बहनें बेटियां दुनिया भागी से लालत फरमाई अल्लाह सब की अरवा में पेश करके अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हाज़िरीन और नाज़िरीन में जिसका कोई भाई बहन वालिद वालिदा रिश्तेदार सब हाज़िरीन के जो जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन
सब की आभार में पेश करते अल्लाह मुझे लिखे दिया रमजान साहब के वाले मोहतरम वालदा भाई मोहम्मद असलम मोहम्मद अफसर साहब और दीगर इन सब ने जो दुरूद पाक पेश किया अल्लाह इन सब की तरफ से अल्लाह ये हदिया ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। अक्सर सदीकी साहब फौज में अल्लाह उनके लिए दुआ करनी अल्लाह तआला ने जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह पाक जितने आदमी तशरीफ फरमा है जिनके रिश्तेदार तू हमसे बेहतर जानता है तू जानने वाला है अल्लाह जो दुनिया से चले गए अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। जिक्र इमाम हुसैन जिक्र शुदाई का बड़ा के फैज अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। अल्लाह जो तशरीफ फरमा है जिस जिस अंदाज से आए अल्लाह इन सबकी बख्शिश फरमा। अल्लाह इस मुल्क में जितने उन सबकी बख्शिश फरमा। बैरून मुल्क जितने लोगों ने तआवुन किया है अल्लाह उन सबकी तरफ से इस तआवुन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाजी याकूब साहेब हाजी अमीर जमान साहेब मास्टर जम्मल साहेब चौधरी जनफर साहेब हाजी शरीफ साहेब की तरफ से मास्टर शेर जमान साहेब की तरफ से जहांगीर साहेब की तरफ से कामरान साहब की तरफ से सबीरा मोहसिन साहब ने अपने बेटे की सेहतियाबी के लिए शराफत हुसैन साहब ने अपनी पूरी फैमिली के लिए दीगर रमजान साहब मास्टर जमन साहब हमारे पूरी कमेटी वाले जितने यहाँ तशरीफ फरमाए मल्ले बस्ती इलाका वाले अल्लाह इन सब ने हिस्सा दिया। अल्लाह इन सब के घरों में सुख का सवेरा अता फरमा। अल्लाह इन सब की आजाद पूरी फरमा। इन सब का साया हमारे सर पे जता दे कायम व दायम फरमा। बिलखुसूस हाजी अमीर आलम साहब ने अपने पूरे खानदान के लिए दुआ के लिए कहा है इसी इदारे के लिए अल्लाह ताला इस इदारे को दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। हाजी साहब की जिंदगी को अल्लाह बरकत अता फरमा। उनका साया हमारे सरों पे तादे कायम दायम फरमा। जितने इस कमेटी में शामिल है जितने इस इदारा के साथ तआवुन करते अल्लाह उन सबको दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अमजद साहब ने से इस इदारा के साथ इस दावत के साथ तआवुन किया अल्लाह उनके जुमला उमूर में खैर और बरकत अता फरमा। जिस जिसने दामे दिलमे कलमे सुख में अल्लाह इस दावत में तआवुन किया अल्लाह इन सब पर अजर अजीम अता फरमा। सब की आजात पूरी फरमा। हमारे शागिर हमारे दोस्त हमारे आबाद यहाँ चल के तशरीफ लाए अल्लाह हमारे सब प्रॉपर्ट करने वाले यहाँ तशरीफ फरमा अल्लाह इन सब को दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अल्लाह बंदूर अदा रहे बड़ा सियात आ रहे बदका